ये संसार का स्पेसशिप है। यहाँ तो काफी शांति है, लेकिन यहाँ कुछ तो अजीब जरूर है। सुनो तुम सब, अच्छा होगा कि तुम सनफ्लावर को जल्दी शांत कराओ। okay. अरे इतनी धीरे धीरे नहीं, जरा जल्दी करो। शो शुरू करो। अब हमें क्या करना चाहिए? अरे ये क्या है? लगता है ये कोई टॉय है। देखो चारू मुस्कुरा रहा है और तारे भी गुनगुना रहे हैं। सो जाओ सो जाओ मीठी नींद में, सोने का टाइम है। सुनने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, वो संसार की शक्ति का गलत इस्तेमाल कर रही थी। ये तो बहुत गलत बात है। भागो। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि मैं ये लोरी पहले भी गा चुकी हूँ। अरे ये तो सीढ़ियाँ हैं। वो देखिए, आपके बाहर निकलने का रास्ता वही है। तो ठीक है, चलो चलते हैं। ओके। बाय। अच्छा होगा अगर वो अपने मिशन में कामयाब हो जाए। मुझे बहुत ज्यादा खुशी होगी। मैं क्या हुआ? बॉस ये बहुत जल्दी होगा, वो लोग यहाँ कभी भी आते होंगे। ऐसा क्या? ये आदमी मेरी तरह बात कर रहा है, ये है कौन? अरे बेवकूफ, ये हमारे बॉस हैं। क्या कहा? बॉस? मैं हमेशा शक्तिशाली लोगों का साथ देता हूँ। बॉस, आज से आप मेरे मालिक हैं। बुक कीजिए। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अरे लिफ्ट खराब है, अब क्या हमें लिफ्ट के बगैर जाना होगा? अरे सीढ़ी चढ़ना हेल्थ के लिए अच्छा होता है ना? तुम चुप रहो, हमारे पास और कोई चारा भी तो नहीं। नहीं वाले हैं तो चलो चलते हैं। मैं उन सबसे लेने के लिए तैयार हूँ। तुम तैयार हो ना बो? सब कुछ रेडी है। तो चलो दोस्तों चले, हमें अपनी रक्षा के लिए उन्हें सबक सिखाना है। ओके। अभी और कितना ऊपर जाना है? ये क्या लिखा है? अभी तो हम आधे रास्ते पर पहुँचे हैं, पर ये वार्निंग किस बात की है? जरा एक मिनट रुकिए, अभी तक हम दूसरी तरफ की स्ट्रेंथ इस्तेमाल कर रहे थे और अब आई नहीं।
अब मैं देखता हूँ कि तुम यहाँ से बाहर कैसे निकलती हो क्वीन। सीधा तुम यहाँ पर भी? वो सुपर गार्लिक एक्सट्रैक्ट मुझे दे दो। हम जल्दी वहाँ पहुँच जाएंगे, समझ गया? तुम इससे आगे नहीं जा सकते। हमें यहाँ से निकलना होगा, चलो चलते हैं। तुम बच नहीं सकते। ऐसा लगता है मुझे लोगों को बुलाना ही पड़ेगा। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ, हम तुम तीनों के साथ लड़ेंगे। अगर तुम जीत गई तो तुम जा सकती हो। तुम मजाक कर रहे हो, हम तुम तीनों से कभी नहीं जीत सकते, ये बात तुम अच्छी तरह जानते हो। लेकिन मुझे ऐसे नहीं लगता। क्या कहा? क्योंकि सबको हमला करने के बराबर मौके मिलेंगे, जैसे कि सिंग सिंग तो डर, आप तो तीर और मुझे भी कुल मिला के साथ, और उन्हें भी इतने मौके मिलेंगे तो बराबर हुए ना। अगर धरती वासियों और हमारी ताकत बराबर है तो फिर कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जरूर है। तुम्हें क्या लगता है, तुम ये कर पाओगे? बताओ। फ्रीक्वेंसी 200, बॉश की 500 और बड़ी बड़ी डायमंड से फाइनल चीज निकाले। मेरा नाम बोलो को पता है। हम इन्हें हरा सकते हैं। तुम लोग मुझे गुस्सा दिला रहे हो, मैं आज तक किसी से नहीं हारा हूँ। ये लो। अब बचकर दिखाओ। वो अंकल, अंकल आप ठीक तो हैं? अरे मैं कहाँ आ गया? अरे शिनचैन तुम? ये यहाँ कैसे आ गया? ये तुम्हारे किसी काम का नहीं, कुछ खास लोग ही इसे चला सकते हैं। अरे तुम्हें क्या लगता है तुम इसकी मदद से मुझसे लड़ पाओगे? एक और कोशिश कर रहे हो मुझसे लड़ने की, तुम मुझसे कभी नहीं जीत पाओगे। तो ये बात है, एक आइडिया आया। हे रोबोट। हाँ, अभी लीजिए। इसे जल्दी से पी लो। ये क्या है? भी बड़ी बड़ी होने से कुछ नहीं होगा। अब मुझसे लड़के दिखाओ। आ जाओ। ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो। तुमने मुझे हरा दिया। अरे ये चेहरा तो जाना पहचाना है। तुमने तलवार से मुझे हरा दिया, अब इस बात से बच कर दिखाओ। ये बदखू तो जानी पहचानी है। कुछ तो हो रहा है, मुझे भी बदबू आ रही है। क्या ये? याद आ गया, हमारा एक्सीडेंट हो गया था और हमारा पूरा परिवार बिखर गया। मुझे सर पर चोट लगी और मैं बुरा आदमी बन गया। मेरी याददाश्त चली गई और हिमावारी को कुछ लोगों ने किडनैप कर लिया। और फिर मुझे सेल बार्गेन क्वीन बना दिया गया। हिमावारी संसार बन गई, उसका साइज भी बढ़ गया। तीनों फिर सब चल रहे हैं। मैं और दादाजी सच का भी में गिर गए और तब से हम लोग अलग अलग हो गए। मित्सी, हिमावारी, ओ हैरी, दादाजी, दादाजी। सुनिए बॉस, मैं अपने परिवार के साथ वापस जा रहा हूँ, आप अपनी इस दुनिया में खुश रहिएगा। ऐसा नहीं कहते हैं मिस्टर नोहारा। अरे तो प्रिंसिपल सर है। मेरे चेहरे पर अभिमान था, इसलिए आपने मुझे अपना बॉस बना लिया, तो मैंने कहा कोई बात नहीं। क्या ये सच है? मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा। मेरे ख्याल से अब ये सब खत्म हुआ, मुझे भी अब अपने घर चलना चाहिए। बाय। अब तो यहाँ से बॉस भी चले गए, तो इसका मतलब यह हुआ कि यहाँ का असली बॉस मैं हूँ। तो तुम लोगों को यहाँ से जाना होगा, मेरी शक्ल मत देखो, जाओ यहाँ से। ओहो,
तो ये बात है, तब तो हमें कुछ चीजें सुधारनी पड़ेंगी। क्यों शिनचैन? मैं अपने बिल्कुल सही कहा डैड। चलो अब अपने घर चलते हैं। मुझसे लड़ने चले थे।